PSL 8 से क्वेटा ग्लेडिएटर का सफर का इख्तिताम हो चुका है और आपको बताते चलेंगे इस वक्त वो PSL 8 की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आखिरी मैच में जबरदस्त तरीके से उमर अकमल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। शानदार तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 43 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी, जिसमें 5 छक्के 4 चौके शामिल थे और 307 के स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर बैटिंग की थी। लेकिन इतनी जबरदस्त बैटिंग के बावजूद रमीज राजा का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है, और क्या बयान आया है, जहां पर उमर अकमल को काफी ज्यादा यहां पर हजीमत का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से बेहतरीन तरीके से स्ट्राइक किया था बॉल को, तो डेफिनेटली उनकी आज जो है एक अलग ही लय में नजर आए, एक वही करंट में नजर आए जिसके लिए उमर अकमल मशहूर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वेटा ग्लैडिएटर यह मुकाबला जीत नहीं सकी और टूर्नामेंट की दौड़ से इस वक्त बाहर हो चुकी है, और अगले साल देखते हैं कि उमर अकमल क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से जगह बना पाएंगे नहीं। लेकिन रमीज राजा ने एक बहुत ही बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि उमर अकमल हैव नो डाउट के ही इज अ वेरी ग्रेट बैट्समैन, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टैलेंट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दूर रखा क्रिकेट से, पिछले कुछ अच्छा से गायब रहे, लेकिन ये पीएसएल 8 की तैयारी के लिए उनको क्वेटा ग्लेडिएटर ने शामिल किया था और एक दफा फिर से मौका दिया था अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का, लेकिन अर्ली मैचेस में उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाए थे उमर अकमल। लेकिन कल के मैच में अगर बताएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने आप को वेस्ट किया ऐसा कहना था रमीज राजा का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उमर अकमल की खुद ही वजह है, वो खुद ही इस बात के जनाब जिम्मेदार हैं कि उन्होंने क्रिकेट से दूरी क्यों इख्तियार की। अगर वो लगातार क्रिकेट खेलते रहते, अपनी फिटनेस पर काम करते, तो शायद आज वो बेहतरीन परफॉर्मर रहते और पाकिस्तान की टीम में वापसी के चांसेस उनके ज्यादा होते। अभी उमर अकमल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखानी होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इस वक्त ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन उमर अकमल इस वक्त वेस्ट ऑफ टैलेंट है, बट नो डाउट ही इज अ वेरी कैपेबल मैन, ऐसा कहना था रमीज राजा का, जो कि इस वक्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से पीएसएल को कवर कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात काफी हद तक ठीक है कि उमर अकमल खुद जिम्मेदार है अपनी इस क्रिकेट से दूरी के, क्योंकि किसी ने उनको दूर किया नहीं था क्रिकेट से, लेकिन उनका अपना फैसला था जिसकी वजह से वो क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर की तरफ से उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, 14 गेंदों पर 43 रन बनाकर 307 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने साबित किया कि ही इज अ वेरी वेरी गुड पावर हिटर, बट अब फायदा नहीं है, क्वेटा ग्लेडिएटर इस वक्त पीएसएल 8 से बाहर हो चुकी है और अगले सीजन में देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करती है।